Assalamualaikum पखेरा के लिए एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मेरा पहला व्लॉग होगा जो मैं किसी शादी का बना रही हूँ। तो आज हमारी एक फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड तमन्ना, उसकी शादी है। शादी तो खैर मतलब अभी हम लोगों ने चोरी की, पिशावर में रवाज होता है कि बहुत सारी मेहंदी होती है, चोरी की मेहंदी, दोस्तों की मेहंदी, फैमिली की मेहंदी, तो उसमें से आज है तो छोटी मोटी सी दोस्तों की मेहंदी है। उसकी सारी तैयारियाँ वगैरह सारा कुछ आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। फेसेस ज़्यादातर किसी का नहीं दिखा सकते हम तो। मेरा चार्ट मार रही है मेरे और ये रोमा जिसके पास इस फिलहाल मास्क नहीं है तो उसने इस क्या है दुल्हन वाले को ऐसा मास्क यूज किया। तो चले जी आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ही शुरू। अच्छा भाई, तो ये है मेहंदी से एक दिन पहले की वीडियो, क्योंकि मेहंदी वाले दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम लोग डेकोरेशन वगैरह कर सकते। तो जिसके घर पे हमने मेहंदी रखी थी उसको हमने कहा था कि यानी थोड़ी बहुत क्लिप्स बना देना मेहंदी की, डेकोरेशन वगैरह की, और बाकी हम लोग बाकी आके कर लेंगे। तो ये मेहंदी पिशावर में बेसिकली 5-6 मेहंदियाँ होती हैं, कुछ होती है चोरी की मेहंदियाँ, कुछ दोस्तों की मेहंदियाँ, कुछ पता नहीं कौन कौन सी मेहंदियाँ, तो करते करते जो है ना 5-6 मेहंदियाँ होती हैं। तो ये हम लोगों ने दोस्तों वाली जो मेहंदी थी ना एक ये वो रखी हुई थी इस दिन। इसके बाद जाती थी फैमिली में भी मेहंदी हुई थी, इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी मैं लाऊंगी थोड़ा बहुत अगर जो हो सका। तो मेरा ये है कि यानी मैं किसी के फेस वगैरह नहीं ला सकती इतने खास व्लॉग के अंदर, तो थोड़े बहुत जो क्लिप्स मैंने बनाए थे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेकोर किया हुआ था और मेहंदी वाले दिन ही जाके बाकी का किया था तो इतना खास टाइम नहीं था। और ये फिर लाइव हम सबको पहना रही थी गजरे। तमन्ना कैसा फील हो रहा है ब्राइट वन? एक्सप्लेन करें अपनी फीलिंग की तो। और उसकी ला तादाद सेल्फीज चेक करें। हाँ भाली, ये मेहंदी के लिए आई थी अपनी दोस्त की मेहंदी के। बहारो फूल बरसाओ नहीं। ये देख लें नाजरीन और हाजरीन, हमारे बगैर ही शुरू हो गए। हम दो चार तस्वीरें लेने क्या गए हैं, मेहंदी वाले लोगों ने हमारे बगैर ही शुरू कर। अपने अपने प्लेट बताओ, दुल्हन की प्लेट, दुल्हन की बहन की प्लेट, दुल्हन की बाकी दोस्तों की, दुल्हन का दूसरा यहाँ पे, और ये दुल्हन की चोर दोस्त।
अच्छा अभी तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने इस मेहंदी को, और बहुत सारे क्लिप्स मैं इस तरह लगा नहीं सकी क्योंकि सबके प्राइवेसी को मेंटेन रख के मैं व्लॉग बनाती हूँ एज़ यूजुअल, और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थी कि मुझे व्लॉग जो इतना खास याद भी नहीं रहा। और ये लाइबा ने बड़ी क्यूट सी बास्केट सबके लिए बनाई थी, सबको एक एक बास्केट इसने लास्ट में दी थी, तो पता नहीं कौन सा रवाज है, मुझे रवाज का नहीं पता, लेकिन ये बहुत मज़े की क्यूट क्यूट सी बिग टाइप की बास्केट लाइबा बना के लेके आई थी सबके लिए। लाइबा यार मुंह पे रजाई लपेट के क्या ले रही है? ये मेरा, अच्छा मेरी छोटी बहन का हिस्सा। हाँ थैंक यू। अच्छा मेरी में इजाफा हो गया, फातिमा का भी आ गया, आंटी का भी ले लो, सारे खानदान का ले लो, गंदे टप्पे गंदे तोबा, हमने कितना गंद मचाया। आई होप कि आपको आज का ये हमारा छोटा मोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे हमने कोई ग्रैंड मेहंदी नहीं थी करनी, तो ये छोटी मोटी मतलब ये हमारी जो फ्रेंड है ना जिसकी मेहंदी है वो पठान है, तो हम लोगों ने जाते यानी उनके कल्चर को मद्देनजर रखते हुए उस तरह यानी हल्की फुल्की सी मेहंदी किया। इसके बाद एक और मेहंदी है जो इनके गाँव में आई थिंक गो की, और उसके बाद है तो बारात, तो आप लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ जाता बने रहना है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पठानों की शादी दिखाने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है ये पठानों की शादियाँ देखने का, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो दो व्लॉग है ना वो इतनी शादियों पे ही है, तो बस आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और कह तो रही है वो कि मर्दान में भी बुलाती हूँ, मतलब उनकी उसका जो वलीमा है ना वो मर्दान में, लेकिन मर्दान हमें काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ेगा इसलिए वलीमा का तो नहीं, लेकिन जो सेकंड मेहंदी और साथ में बारात है ना तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ सारा शेयर करूँगी। तो आप भी हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।